everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter today we are going to discuss about explanation of formation of drops and bubbles. Okay, so before this, in last video we have discussed about angle of contact, after that shape of the meniscus, after that we have discussed before that also we have discussed surface tension and surface energy. That topic also, some part of that topic also is going to come in this topic. Okay, surface tension or surface energy के बीच में जो relation था, ये भी हमने पहले के videos में discuss किया था, वो भी यहाँ पे थोड़ा use होने वाला है. Okay, जो work relation आया था, dW is equal to TdA, ये जो relation आया था हमें, वो उसका use हम यहाँ पे करने वाले. Okay, तो जो आज का जो topic है, explanation करना है हमें drops और bubbles कैसे फॉर्म. इसके पहले जो हमने शेप ऑफ मेनिस्कस में देखा था, जो कॉनकेव सरफेस बनता है, कॉन्वेक्स सरफेस जो बनता है और स्ट्रेट जो सरफेस रहता है लिक्विड का, उसमें क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हमने कंडीशंस भी देखे थे. वो कॉस थीटा का जो इक्वेशन आया था, उस कॉस थीटा इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन बाई टी थ्री, ये जो इक्वेशन आया था इसमें हमने डिफरेंस केसेस कंसिडर किए थे और उसकी तरह कंडीशंस रख के हमने कुछ कैलकुलेशन भी किए थे. ओके, सो ये सब हमने देखा. तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ ड्रॉप जो है और सो बबल जो हम बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप जो रहता है उसका शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है. ओके, जो सो बबल भी जो रहता है उसका भी शेप कैसा रहता है, स्फेरिकल ही रहता है. तो ये स्फेरिकल क्यों रहता है इसके बारे में मैंने जब सरफेस टेंशन में बताया था, ओके, उसमें डिस्कस किया था हमने कि क्यों जो है स्फेरिकल ड्रॉप रहता है. ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. व्हाई इट इज स्फेरिकल, because of surface tension property, the shape of that liquid drop or the shape of the soap bubble is spherical because of surface tension. Okay, so sir, मैंने ये भी कहा था कि gravity जो apply हो रही है उसपे, खुद की जो gravity उसकी रहती है, जो wave है वहां पे, तो molecule होगा ना, अगर soap bubble है या spherical drop है तो उसका खुद का क्या है, तो एक molecule तो रहेंगे वहां, कुछ molecules रहेंगे, तो उसका molecules का weight रहेगा, उसके ऊपर खुद का weight भी apply हो रहा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही, मगर ये कम है. किससे कम है, जो सरफेस टेंशन आउटसाइड द सरफेस में, सरफेस टेंशन कहाँ रहता है, जहाँ पे फ्री सरफेस. ओके, सो वी आर वेयर वेयर इज द सरफेस टेंशन, वेयर व्हेन दैट सरफेस ऑफ दैट लिक्विड इज इन कॉन्टेक्ट विद एयर, देन देयर इज अ सरफेस टेंशन. ओके, सो वहां पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन और आउटसाइड द जो प्रेशर है ये ज्यादा है, इस वजह से उसका जो शेप है लिक्विड ड्रॉप का हो या सो बबल का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल. तो इस टॉपिक में आज हम कुछ एक्सेस जो प्रेशर बनता है ये कितना बनता है इसका हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों इसमें सो बबल में और स्फेरिकल ड्रॉप, इन दोनों केसेस में कितना बनता है. अगर स्फेरिकल ड्रॉप का पता चल जाए तो सो बबल का निकालना बहुत ही आसान है. ओके, सो हम कैसा इसका एक्सेस प्रेशर कितना है इसके लिए क्या रिलेशन बनता है ये हमें देखना है. ओके, तो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ पे होंगे, तो ये हमें डिस्कस करना है. ओके, नाउ सी, जब हम जब स्टार्टिंग में ये स्फेरिकल ड्रॉप के बारे में, जो लिक्विड ड्रॉप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सो बबल का डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हेन वी आर सेइंग दैट द ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप और वाटर ड्रॉप हैज अ स्फेरिकल शेप. ओके, सो सी, so we can't draw spherical shape here, so we are taking circular shape. Okay, so it means what, it is spherical. Okay, what we are imagining or considering here, so this shape is spherical, as I, it is a spherical shape. Okay, aisa ek spherical shape hai ye, aisa hum assume karke nikal rahe. Okay, so spherical hai matlab kuch radius hoga. Okay, that radius we are calling r. Okay, kuch radius jo hai use hum kya keh rahe hai, r keh rahe hai. Aur pressure jo hai inside, dekho अगर मैं बलून ब्लो कर रहा हूँ ना, जो बलून है उसको एयर ब्लो कर रहा हूँ उसके अंदर, तो वो ब्लो हो रहा है. ओके, ये हो रहा है, बाहर आ रहा है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. तो क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसका शेप जो है स्फेरिकल भी क्यों बन रहा है, जब मैं अगर मैं ब्लो एयर अगर ब्लो नहीं करूंगा तो उसका शेप स्फेरिकल नहीं बनेगा. ओके, मैं एयर ब्लो कर रहा हूँ इस वजह से उसका शेप क्या हो रहा है, स्फेरिकल हो रहा है बलून का. ओके,
उसी तो क्या है इसका मतलब, इनसाइड बलून के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है आउटसाइड से, समझ में आ रहा है ना। बलून के अंदर, इनसाइड द बलून देर इज अ मोर प्रेशर कंपेयर टू द आउटसाइड। ओके, सो सेम कंडीशन इज अप्लाइड हियर आल्सो, यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। जब लिक्विड ड्रॉप जो है और वाटर ड्रॉप जो स्फेरिकल शेप में है, तो इसका मतलब ये कि इनसाइड लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है, सोप बबल के केस में भी ये अप्लाई होगा, उसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, इसलिए जो है तो वो स्फेरिकल शेप एक्वायर कर रहा है ना, इधर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है अंदर से और बाहर से प्रेशर कम है। ओके, तो वो क्या होगा, स्फेरिकल शेप भी बनेगा, सरफेस टेंशन की वजह से भी बनता है, और ये भी एक रीजन होता है। ओके, क्योंकि यहाँ का जो अगर ये दोनों प्रेशर कम, इधर का प्रेशर ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर कंपेयर करें हम, अगर इधर का प्रेशर आउटसाइड द प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये स्फेरिकल शेप रहेगा क्या, फूट जाएगा, वैसा रहेगा क्या, नहीं। अगर ग्रेविटी भी ज्यादा हुई तो ये स्फेरिकल शेप रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इनसाइड द प्रेशर ज्यादा है और सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप हो या सोप बबल हो, इनका जो शेप है वो स्फेरिकल, समझ में आ रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेस प्रेशर, है ना, एक्सेस कितना ज्यादा प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, कितना ज्यादा प्रेशर है ये हमें फाइंड आउट करना है। एक रिलेशन मिलेगा हमें एट द एंडिंग, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट। ओके, नाउ सी, सो वी आर अज्यूमिंग दीज थिंग्स, ओके, वी आर अज्यूमिंग वन लिक्विड ड्रॉप इज देयर, ओके, सो स्फेरिकल इट इज, ओके, सो इफ इट इज स्फेरिकल इट हैज सम रेडियस, दैट रेडियस वी आर कॉलिंग इट आर, इनसाइड द प्रेशर इज वी आर कॉलिंग पी आई, पी आई इज वॉट, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ओके, एंड पीओ, पीओ इज वॉट, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। ओके, तो हम एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे फिर, है ना, इनसाइड द प्रेशर क्या है पी आई, और पीओ क्या है आउटसाइड द प्रेशर, हम क्या कह रहे हैं इनसाइड में जो प्रेशर है वो ज्यादा है और पीओ जो है वो कम है, इसके कंपेयर में क्या है पीओ कम है, तो इसका चेंज मैं अगर निकालूंगा तो मुझे एक्सेस प्रेशर मिलेगा, है ना, पी आई माइनस पीओ, इसका जो डिफरेंस निकालूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेस जो ज्यादा प्रेशर है वो मिल सके। ओके, तो इजी है ना, पी आई माइनस पीओ इज वॉट, एक्सेस प्रेशर। ओके, ऐसा किया तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक्सेस प्रेशर ये मतलब इसका अगर डिफरेंस निकालूंगा मैं, पी आई माइनस पी होगा तो जो ज्यादा का प्रेशर बन रहा है इन साइड द लिक्विड, है ना, कहाँ पे बन रहा है, इन साइड द ड्रॉप। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ओके, विद दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर, जो ज्यादा प्रेशर बन रहा है। ओके, तो अब देखो ये एक्सेस प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, अभी जो हम बोल रहे हैं ये जो एक्सेस प्रेशर है वो उतना ही रहेगा, और थोड़ा सा जो क्या कर रहे हैं हम, इस स्फीयर का ये जो लिक्विड ड्रॉप है, इस स्फीयर का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, कितना इंक्रीज कर रहे हैं, इतना सिर्फ डेल्टा आर, तो वेरी स्मॉल, अब अगर ऐसा है थोड़ा सा बढ़ रहा है, स्फेरिकल जो है उसका एरिया जो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमें ये अज्यूम करना है ये प्रेशर नहीं बढ़ रहा, एक्सेस जो प्रेशर है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, हम सिर्फ थोड़ा सा ये इंक्रीज कर रहा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा एरिया, रेडियस बढ़ा उसका। ओके, तो प्रेशर सेम, आउटसाइड और इनसाइड जो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्रेशर सेम है, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉप। ओके, इतना समझ में आया, तो अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे आएगा ना, है ना, पहले इतना था, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इतना बड़ा उसका, है ना, डेल्टा आर जो रेडियस इंक्रीज हुआ उसे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आर कितना, रेडियस कितना था, आर था, रेडियस इज वॉट आर, आफ्टर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया व्हाट बिकम्स रेडियस, पूर्ण टोटल स्पीयर का रेडियस क्या बनेगा फिर, है ना, ये रेडियस प्लस दिस रेडियस, बराबर है, ये जो रेडियस है वो और प्लस दिस रेडियस, तो क्या बनेगा, टोटल रेडियस आफ्टर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप दैट लिक्विड ड्रॉप, देन व्हाट विल द रेडियस, आर प्लस डेल्टा, ओके, रेडियस क्या बनेगा आफ्टर इंक्रीजिंग द एरिया, आर प्लस डेल्टा। तो इतना समझ में, हम कुछ फोर्स वगैरह नहीं, हम ये अजूम कर रहे हैं कि जैसे हम बलून में एयर ब्लो करते रहते हैं तो उसका थोड़ा सा जो सरफेस एरिया आउटसाइड द एरिया वो इंक्रीज होते रहता है, तो यहाँ पे प्रेशर हमें ये क्या कंसिडर करना है, ये जो प्रेशर है
जो एक्सेस प्रेशर है वो बड़ा नहीं है, ठीक है, जो पहले था। स्टार्टिंग में क्या कंसेप्ट किया, एक ड्रॉप कंसीडर किया, इनसाइड द लिक्विड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड द उधर प्रेशर कम है, यही केस में वो थोड़ा सा एरिया बड़ा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। ये जो डेल्टा आर है, दिस डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, दिस डेल्टा आर इज व्हाट, वेरी स्मॉल। द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा आर इज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेल्टा आर इज व्हाट, वेरी स्मॉल, ओके, तो बहुत ही कम है, तो हम ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ ये हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा नहीं बड़ा, डायग्राम में हमें दिखता है ज्यादा ऐसा, मगर स्मॉल थोड़ा सा बड़ा है, उसके लिए हम डेल्टा ले रहे हैं, डेल्टा आर है सर, ये डेल्टा है, और डी वाई वी टेक दिस वेरी स्मॉल, देयर इज स्मॉल चेंज इन एरिया और स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया, ओके, सो वी आर टेकिंग दिस टर्म्स, ओके, डेल्टा और डी, ओके, नाउ सी, तो ये समझ में आ गया, डेल्टा आर जो है तो स्मॉल है, और ये जो एक्सेस प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट रहे, सर्फेस एरिया बढ़ रहा है फिर भी कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है, प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल, सो प्रैक्टिकल वी आर नॉट सेइंग दैट अगर एरिया बढ़ रहा है तो एक्सेस प्रेशर भी बढ़ेगा, तो हम इतना अज्यूम कर रहे हैं कि थोड़ा सा एरिया बढ़ा है तो एक्सेस प्रेशर कॉन्स्टेंट है, उतना कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा और अब वो निगलेक्ट करेंगे, ओके, नाउ सी, अब हमें क्या करना है, ये समझ में आया ना, रेडियस ये आर है, एरिया बढ़ने के बाद रेडियस क्या बना कंप्लीट स्पीयर का, आर प्लस डेल्टा आर, ओके, नाउ सी, ये एक्सेस प्रेशर, ओके, नाउ सी, अब एरिया ए वन है ना, दो बार एरिया निकालेंगे हम, इसका एरिया है ना, शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप इज व्हाट, हाउ स्फेरिकल, ओके, सो वी नो द एरिया ऑफ स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका एरिया कितना, उसका एरिया निकालने के लिए क्या इक्वेशन रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है, 4πr, ये कब का है, जब सरफेस एरिया बड़ा नहीं, जब ये था ऐसा छोटा था स्पीयर, जब छोटा था तब एरिया ए वन, स्टार्टिंग का जो स्पीयर हमने देखा था ये वाला जिसका रेडियस r है, तब का एरिया कितना है स्पीयर का, 4πr2, जिसको हम ए वन कह रहे हैं, ए टू, ए टू का क्या आएगा, ओके, ए टू का क्या आएगा, 4πr, स्पीयर ही है ना, एरिया बढ़ने के बाद भी वो क्या है, स्पीयर ही है, तो फॉर्मूला ये आएगा, मगर r की जगह क्या आएगा हमें, ये इक्वेशन आएगा, r प्लस डेल्टा r, है ना, ये रेडियस प्लस दिस रेडियस, जब दूसरा एरिया इंक्रीज होने के बाद जो स्पीयर है तो उसका रेडियस क्या आएगा, दिस प्लस दिस, so we are saying this delta r and this is r, so radius is what, r plus delta r, so is r की जगह हम क्या लिखेंगे, r plus delta r square, समझ में आ रहा है, तो ये जो equation है ये कौन से form में, a plus b square हम कहते हैं, a plus b whole square, mathematics में ये जो equation है वही form है ना, r plus delta r whole square, so we can simplify it like this, a square 2ab plus b square, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये वही फॉर्म है, तो हम उसे भी ऐसा लिखेंगे, 4πr, है ना, ए आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर, ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में है तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 4πr जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 4πr स्क्वायर प्लस, ओके, 4πr, पूरे ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4πr स्क्वायर और ये 4πr इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 into 2, 8 πr r डेल्टा r, ओके, सो अगेन प्लस 4πr डेल्टा r, ओके, ये जो 4πr इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो वी गेट दिस इक्वेशन, समझ में आ रहा है, इतना समझ में, मगर मतलब क्या हमने किया है, यहाँ पे जो स्पीयर है उसका एरिया कितना होगा इसको इक्वेशन में लिखा हमने, है ना, जो स्टार्टिंग में जो स्पीयर है उसका कितना आया, इतना आया 4πr स्क्वायर, जो बाद में एरिया इंक्रीज हुआ उसका एरिया कितना हुआ, तो इतना हुआ, ओके, बाय अप्लाइंग दिस मैथमेटिकल रूल्स, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद चेंज इन एरिया निकालेंगे, कितना चेंज हुआ एरिया, तो कैसे निकलता है, चेंज डिफरेंस निकलते हैं ना, अगर चेंज कितना हो, दो हमें वैल्यूज पता है, ओके, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये भी पता है ना, ये बड़ा है ना, ए टू क्या है बड़ा कंपेयर टू ए वन, सो चेंज इन एरिया क्या निकलेगा, फिर
चेंज इन एरिया, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जो एक्सेस प्रेशर, इसके लिए हमें सरफेस टेंशन के विद रिलेशन बनाना है, यानी एक इक्वेशन फॉर्म होगा एंडिंग में, वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो दैट्स फॉर दैट वी आर डूइंग ऑल दिस। एक लिक्विड स्फीयर वाटर ड्रॉप कंसिडर किया, उसके अंदर इनसाइड द प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड द कम है, फिर हमने कंसिडर किया कि थोड़ा सा सरफेस इंक्रीज हुआ, ओके, तो उस वाले हिसाब से हम ये इक्वेशन कितना सरफेस या इंक्रीज हुआ होगा मैथमेटिकली हम ये सब फाइंड आउट कर, ओके, तो चेंज इन एरिया जो है इसको हम डी ए भी कह सकते हैं, चेंज इन एरिया ए टू माइनस ए वन, ओके, ए टू माइनस ए वन, ओके, तो ए टू कितना आया दिस, उसके पहले एक चीज रह गई है, ये जो 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर है, इसके पहले ये जो 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, मतलब वो वैल्यू जीरो हम कंसीडर करेंगे, क्यों, हमने कहा था कि ये जो डेल्टा आर है ये बहुत ही छोटा है, ओके, जीरो से थोड़ा कुछ बहुत होगा, मतलब वन से भी बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है रेडियस में, तो ये जो डेल्टा आर स्क्वायर है इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, व्हाट वी आर कंसीडरिंग, वी आर निग्लेक्टिंग दिस होल टर्म, सो दिस डेल्टा आर स्क्वायर वी आर कंसीडरिंग जीरो, जीरो है ही नहीं, थोड़ा जीरो से बड़ा है तो जितना कुछ वैल्यू मैटर नहीं करता है, तो फॉर आवर कन्वीनियंस टू गेट आवर इक्वेशन, ओके, सो दिस होल टर्म वी आर निग्लेक्टिंग, ये 4 पाई डेल्टा आर जो यहाँ पे आया है ए टू का, उसे हम क्या कर रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वेशन कितना बना फिर, सिर्फ इतना बना, ओके, तो ए टू के लिए इक्वेशन कितना है, सिर्फ इतना है, समझ में आ रहा है, ओके, तो इतना हमें ध्यान में देना, वो भूल गया था मैं, ओके, तो ये जो टर्म है वो क्या हो, जीरो हो, तो ए टू कितना है, ये जो लाइन मैंने खींची यहाँ पे इतना ही है, तो चेंज इन एरिया कितना है, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू ये है, ए टू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, ओके, ये हो गया अपना ए टू, माइनस ए वन कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, तो ये जो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस है और ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, माइनस कैंसिल हो गए, तो वी गेट इक्वेशन 8 पाई आर डेल्टा आर, ओके, सो दिस इज द चेंज इन एरिया, इतना एरिया में चेंज हो, इतना जो मैथमेटिकली हम कह रहे हैं कि इतना चेंज, ओके, सो डी ए इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर, ओके, समझ में आ, तो देखो इतना समझ में आया होगा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम वर्क डन, कुछ कुछ फोर्स अगर ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ये सरफेस बढ़ रहा है ना, हम ऐसे केस कंसीडर करेंगे सरफेस थोड़ा सा बढ़, तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा ना, उसके ऊपर कुछ काम तो हुआ होगा, इसीलिए तो बढ़ा होगा, फोर्स भी अप्लाई हुआ होगा, ओके ओके, तो वो जो वर्क डन जो बढ़ा है वो चेंज इन एरिया में, जो एरिया अब इसके पहले मैंने कहा था कि एक रिलेशन हमें हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, इसके बीच में जो रिलेशन देखा था वहां, उसके पहले जो सरफेस एनर्जी जो टॉपिक देखा था उसमें मैंने कहा था कि जो एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी जो बन रही है वो कहाँ पे स्टोर होगी, सरफेस पे स्टोर होगी, ओके, ये मैंने कहा था, आप लास्ट के वीडियोस अगर देख रहे हो तो उसमें समझ में आएगा कि जो एनर्जी जो एक्सेस एनर्जी, अब एनर्जी बढ़ी ना यहाँ पे, थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ा तो उस एरिया में चेंज, जो चेंज इन एरिया हुआ उसमें एनर्जी स्टोर होगी, जो एक्सेस एनर्जी उसके अंदर एनर्जी है स्टार्टिंग में है, तो एरिया बढ़ने के बाद कुछ काम हुआ, तो कुछ काम हुआ तो कुछ एनर्जी ज्यादा मिली उसको, तो उस जो एनर्जी ज्यादा मिली उस लिक्विड ड्रॉप को एरिया बढ़ने के बाद वो कहाँ पे स्टोर होगी, ये जो एरिया बढ़ा है वहां पे स्टोर होगा, अंदर स्टोर नहीं होगा, जो एनर्जी मिली है वो यहाँ पे कुछ सरफेस पे ज्यादा क्या होगा, स्टोर होगा, तो इतना हमें ध्यान देना होगा, तो कुछ काम हुआ होगा, तो अगर वो वीडियो देखेंगे आप तो हमें ये रिलेशन मिला, ये जो है चेंज इन वर्क डन और वर्क डन में जो थोड़ा सा चेंज हुआ था वो कैसा लिखा था हमने, टीबीए, ओके, ये रिलेशन हमने देखा है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वेशन आप वहां पे देख सकते कैसा है, ओके, तो ये जो वर्क डन जो है वो किसके रिलेटेड है, सरफेस टेंशन और चेंज इन एनर्जी, ये क्या है, डीए क्या है, चेंज इन एनर्जी, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टी जैसे ये डीए की वैल्यू क्या है, ये है 8 पाई आर डेल्टा, ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन,
we are calling it as equation 1. इसे हम suppose equation 1 कहेंगे. Okay, so we have to remember this. ये कहाँ से आया? वो जो topic है relation between surface tension and energy. Okay, तो ये जो बड़े हो बड़ा वाला energy है वो कहाँ पे store हुआ है? यहाँ पे जो area बड़ा है ना, यहाँ पे store हुआ. चेंज इन एरिया उस जगह पे वो स्टोर होगा जो एनर्जी बड़ी वर्क डन के वजह से. ठीक है, तो हमें ये पता है. तो वर्क डन का और एक भी फॉर्मूला, इसको हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ये जो वर्क डन है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इनटू डेल्टा लिख सकते हैं, बरोबर लिख सकते हैं. वर्क डन का मतलब क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कुछ फोर्स अप्लाई हुआ होगा, एक्सेस फोर्स है ना, और डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? डेल्टा आर हुआ. पहले आर था, फिर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो कुछ फोर्स इधर से हुआ होगा. ओके, और डेल्टा आर जो है इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वही क्या है? वर्क डन. ये भी एक इक्वेशन बनता है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग, और ये भी एक बनता है. ओके, सो इसको भी हम नेम दे देंगे टू. ओके, तो देखिए अब क्या करना है हमें. ये जो फोर्स एक्सेस फोर्स, इसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना. यू हैव टू फाइंड आउट दिस फोर्स, फिर जो एक्सेस फोर्स लगा है. तो इस एक्सेस फोर्स हमें इक्वेशन पता है, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाय एरिया. ओके, तो इसके फोर्स निकालने के लिए इक्वेशन क्या बनेगा इधर यहाँ पे? तो फोर्स के लिए इक्वेशन क्या बन रहा है? प्रेशर इंटू एरिया. ओके, प्रेशर इंटू एरिया. तो ये फोर्स जो है इसे में निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर देखो स्टार्टिंग में ये था. ओके, स्टार्टिंग में ये ऐसा था. तो एक्सेस प्रेशर कितना था उसके ऊपर? पी आई माइनस पी नॉट. ओके, सो इसका जो इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है? एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया. ओके, तो अब इसको हम ऊपर निकालेंगे. आपने नोट डाउन किया होगा, नोट डाउन कर लो. ओके, जब इक्वेशंस आते तो नोट डाउन कर लेना चाहिए. ओके, तो देखो ये एफ इज इक्वल टू व्हाट? एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर कितना था अपना? Pi minus P naught. This is our excess pressure. Okay. So F is equal to what? Pi minus P naught into surface area. कितना था starting में? यहाँ पे force apply होगा, बढ़ने के बाद नहीं, बढ़ने के पहले force apply होगा, तो उसका ही area लेंगे हम. Okay. तो surface area क्या था? 4 pi R square. So this is our surface area. Okay. So हम इसे equation number 3 दे देंगे. Okay. देखो हमें क्या करना है. सो वी आर फाइंडिंग आउट ऑल दीज थ्री इक्वेशंस. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सी, सो वी हैव दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. वी आर गोइंग टू कंपेयर इक्वेशन 1 and 2. ओके, सो वी आर कंपेयर. सो यस, सो दिस इज आल्सो वर्क डन इक्वेशन, दिस इज आल्सो इक्वल, सो दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन. ओके, सो वैल्यू ऑफ वर्क डन according to this is what? This. And value of work done according to this formula is what? This. Okay, so we are comparing these two equation. Okay, so agar main ye equation leta hu to is d omega ki jagah is equation ka use karke, samajh mein aa raha hai na, is d omega ki jagah is equation ka use karke, and isliye hum compare kar rahe. To ye is d omega ki jagah ye value rakh sakte hai na, ye jo value hai ye bhi kya hai? D omega hai. Okay, सो सरफेस टेंशन और एनर्जी के कंपेयर में, और ये एक्चुअल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दोनों सेम हो रहे, तो इस डी ओमेगा की जगह ये इक्वेशन रख, ये वैल्यू रखता हूं. तो टी कंपेयर डी ओमेगा की जगह क्या लग रहा हो? टी 8 पाई आर डेल्टा आर इज इक्वल टू, यस. नाउ ये जो इक्वेशन है एफ इनटू डेल्टा आर. ओके, तो एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली? ये निकाली ना, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू निकल लेनी यहाँ पे, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पर आर स्क्वायर. तो वो वैल्यू पुट कर ली ये इक्वेशन में, ये डी डब्ल्यू जो है वर्क डन, इसकी वैल्यू ये रखी. ओके, जो हमने फाइंड आउट की थी. और ये जो फोर्स है
इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की वो रख दी। सो फोर्स की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस पी नॉट। ओके अब इसका काम हो गया, चलो। सो पी आई माइनस पी नॉट, ओके ये है, और ये एक फोर पाई आर स्क्वायर भी है, और जो डेल्टा आर है वो, ओके आपको हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इस इक्वेशन में, दोनों तरफ क्या कैंसिल होता, देखिए ये डेल्टा आर और ये डेल्टा कैंसिल हुआ, इसमें का एक आर और ये कंप्लीट आर कैंसिल हुआ, ये पाई कैंसिल हुआ, ये फोर वन दा वन, फोर टू दा एक, ओके। सो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा टू पी, तो यहाँ पे क्या बचा पाई माइनस सॉरी पी आई माइनस पी नॉट एक्सेस प्रेशर, ये एक आर बचा है तो वो आर, ओके। सो दिस इज अवर रिमेनिंग इक्वेशन, ओके समझ में आ रहा है। तो अब देखो एक्सेस प्रेशर निकालना है हमें, तो कितना आएगा, ये आर जो नीचे जाएगा तो पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू वॉट टू पी बाय आर, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन, ओके। इसे हम क्या बोलेंगे, अगर एक्सेस प्रेशर कितना है ये मुझे निकालना है, तो उस सरफेस का सरफेस टेंशन पता हो और रेडियस स्टार्टिंग का जो रेडियस है अगर वो भी पता हो, है ना, तो हम एक्सेस प्रेशर कितना ये कैलकुलेट कर सकते, समझ में आ रहा है ना। कुछ मैथमेटिकल हमने सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन करके ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है, ओके। तो इजी है ना, पी आई माइनस पी नॉट इज टू टी बार, ये किसके लिए है, लिक्विड ड्रॉप जो वाटर ड्रॉप के लिए जो स्फेरिकल शेप, ओके। इसको हम लैपलासेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी कहते, क्या कहते हैं, लैपलासेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन भी इसे बोलते हैं, ओके। तो ये हुआ, अब हमें क्या करना है, सोप बबल के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, बहुत इजीली, व्हाट वी गेट फॉर सोप बबल, सोप बबल के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, देखो आप सोप बबल हम कंसिडर करते हैं, तो जब हम सोप बबल बना देखे होंगे ना, सोप बबल हवा में ऐसा घूमता, तो उसके दो सर्फेसेस एयर के कॉन्टेक्ट में होते, कैसे देखो सोप बबल का शेप भी स्फेरिकल है ऐसा, तो ये जो एरिया है ना, ये बाहर का एरिया वो भी एयर के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, और जो अंदर का एरिया है वो भी एयर के साथ क्या रहता है, कॉन्टेक्ट में। जब हम सो बबल ऐसा बनाते तो वो बबल के अंदर भी एयर रहता, समझ आ रहा है, जब हम बना रहे उसको, वो बबल के अंदर भी एयर रहेगा और बबल के बाहर भी एयर रहेगा, लिक्विड में वैसा नहीं है ना, वाटर ड्रॉप जब हमने यूज इसके पहले देखा, अभी देख रहे थे, तो वहां पे एक ही सरफेस टेंशन, क्यों, लिक्विड ड्रॉप जो हम कंसिडर करते तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर पूरा वाटर रहता, लिक्विड रहता, ओके, और बाहर का जो एरिया है वो एयर से कॉन्टेक्ट में रहता है, तो सरफेस टेंशन सिर्फ यहाँ पर रहते हैं, यस। मगर जब हम सोप बबल कंसिडर करते हैं तो सरफेस जो एरिया है, सॉरी सरफेस जो टेंशन, उसका जो एरिया जो दोनों साइड रहता है, ये भी एक बनता है और एक भी बनता है, ओके। जैसे हमने वो फिल्म में देखा, एक फिल्म का भी आपने इसके पहले एक टॉपिक देखा था, सरफेस फिल्म, एक हमने वो रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था, उसको हमने सोप सॉल्यूशन में फिल किया था, तो दोनों तरफ सरफेस एरिया बन रहा है, वैसा ही केस यहाँ पे बन रहा है, मगर यहाँ पे शेप जो है स्फेरिकल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे भी एक एरिया बन रहा है सरफेस टेंशन का, और यहाँ पे भी बन रहा है, तो हमें करना कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन आ गया है पी आई माइनस पी नॉट, यहाँ पे टू टी, तो टू एड करना है ना, टू मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना, सरफेस, ये टू टी कब आया, ये टू टी बाय आर कब आया, जब एक सरफेस एरिया है, सॉरी एक सरफेस टेंशन, तो एक ही पार्ट लिक्विड ड्रॉप के लिए हमने ये कंसिडर किया इक्वेशन, ये बनाया, सो बबल के लिए क्या बनेगा, हम इसे टू से मल्टीप्लाई करें, क्यों टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, एक एक सरफेस टेंशन है तो ये टू टी बाय आर, दो रहेंगे तो हम टू टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, फोर टी बाय आर, ओके। सो एक्सेस प्रेशर अगर हमें सो बबल में कैलकुलेट करना है तो उसका इक्वेशन क्या है, 4p बाय आर, ये किसके लिए, सो बबल के लिए, और ये लिक्विड ड्रॉप जो है, वाटर ड्रॉप जो है उसके लिए, ये समझ में आया ना, कैसे लिया हमने, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज देर इज टू सरफेस टेंशन, बिकॉज
that bubbles. So bubbles, two surfaces are in contact with air. Okay, so before this, when we are discussing about a liquid drop or water drop, its inside surface is completely liquid and outside surface is in contact with air. But for soap bubble case, it is not like that. So that's why we are taking here this, we are multiplying this equation. Pura jo ye wo same aayega, okay, magar yahan pe changes honge. To hum 2 se multiply kar denge to hame ye equation mil jayega. So if you know the surface tension and value of that drop's radius value, then we can able to calculate the what pi minus p naught x special. Agar gravitational field agar jyada ho, iske pehle bhi maine bataya tha, videos dekh rahe ho aap, to agar yahan ab hum kya bol rahe hain, spherical shape kyun hai, surface tension ki wajah se aur inside jo pressure hai wo jyada hone ki wajah se. Agar gravitation ka force jyada badhta hai surface tension se bhi, है ना, ग्रेविटेशन का फोर्स ज्यादा बढ़ेगा तो ये जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, फिर कुछ ऐसा स्प्रेड होने हो सकता है, वो जो लिक्विड है या सोप बबल वो क्या होगा, स्प्रेड होगा, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगी. ओके, तो ग्रेविटी अगर बढ़ेगी तो कोलैप्स भी होने के चांसेस है. कब तक ये स्फेरिकल रहेगा, जब तक इसका सरफेस टेंशन और इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है तब तक ये स्फेरिकल शेप में रहेगा. ओके, अगर नहीं, ग्रेविटेशन बढ़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका खुद का, उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो बढ़ गया, तो ये कोलैप्स हो जाएगा. ओके, और हमें पता है लिक्विड की टेंडेंसी, जो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी क्या है, वो एरिया को कम करना चाहता है, अपना जो एरिया है उसको क्या करना चाहता है, कम करने की कोशिश करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस टॉपिक. सो लेट्स होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, समझ में आया होगा, ऐसा हम कंसिडर करेंगे, और लेट मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.